अस्सलाम वालेकुम, कैसे आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। तो सबसे पहले तो आप लोग मुझे ये बताओ, मैं जीन्स में और शर्ट में कैसी लग रही हूँ। माशाल्लाह, है ना। तो ये लिंकिंग से मैंने खरीदी थी। मुझे चाहिए था एकदम लूज शर्ट। हाँ, मुझे लूजी शर्ट और टी शर्ट में हमेशा लूज ही पहनती हूँ, मुझे अच्छा लगता है। और आज जो ये मैंने स्टाइल की हूँ ना, ये ऐसे ऊपर ये एक आस्तीन को बटन लगा के मैंने ऊपर की हूँ और एक आस्तीन को मैंने फोल्ड की हूँ। ये मुझे किसने बताया, मुझे सना ने, सना को जो वॉशिंग सलून पे जाती है ना। हाँ, उसने मुझे बोली थी। और ये ऐसा टी शर्ट पे ऐसे खोजना, आप कोई भी शर्ट पहनेंगे ना तो ऐसा टी शर्ट पे ऐसे इधर खोज देना। हाँ, अभी मेरे को इतना स्टाइल करने के लिए नहीं आता, मतलब सब लोग बताते हैं कि ऐसा पहनो ऐसा करो, तो मैं करती हूँ अपने, है ना। तो आज मैं जाने वाली हूँ, कहाँ पर जाने आते हम लोग, एक अवार्ड फंक्शन में। हाँ, जो कि मीरा रोड फाउंटेन में है। हाँ, तो वहाँ पर मैं जाने वाली हूँ। तो आज मैं सोची चलो एक ब्लॉग बना देती हूँ क्या मैं जा रही हूँ करके। अभी सबसे पहले मैं जा रही हूँ विमेट में मैं जा रही हूँ हेयर स्पा करने के लिए। अभी मैं वॉशिंग सलून पे तो जा नहीं सकती, बहुत लंबा है। हाँ, तो कभी भी मुझे हेयर स्पा करना रहता तो मैं विमेट में जाके करती हूँ। एमरजेंसी में इधर जाना पड़ता है, कुछ करना पड़ता है, तो मैं इधर विक्रोली में चले जाते, विक्रोली में मैं चले जाके अपना हेयर स्पा करके आ जाती हूँ। हाँ, तो चलिए अभी मैं निकलती हूँ यहाँ से जाने। तो मैं भाई को बोली मुझे छोड़ दो, फिर वहाँ से हेयर स्पा करके आऊँगी, फिर थोड़ा देरी होगी चली जाऊँगी। आज मेकअप अपना थोड़ा जीन्स पहन लूँ, लाइट लाइट मेकअप एकदम करूँगी पूरी, है ना। बिना मेकअप के भी अच्छे लगते थे। अच्छा, मेकअप भी का मेकअप ही का करते हैं, फाउंडेशन लगा के ना, ऐसे अच्छी ऐसे भी अच्छे दिखते हैं, मेकअप करो तो और अच्छे दिखते हैं। सबकी कमेंट यही है, सबका कहना यही है कि आप बगल मेकअप के अच्छे दिखते हैं, सही है ना। वो सना जो टीवी एक्टर से है ना, वो भी मुझे फॉलो कर देना मुझे इंस्टाग्राम पे, वो भी मैसेज करते बोले खाला तुम बगल मेकअप के अच्छे दिखते हैं। आसिफ को भी बोलते मम्मी ना बगल मेकअप के अच्छे लगते हैं, मम्मी को बोलो बगल मेकअप के रहने के लिए ना। सही बात है, अल्लाह ताला ने पहले से ऐसे खूबसूरत बनाए मुझे, तो क्या कर। माशाल्लाह माशाल्लाह। चलो मैं जाती हूँ, तो हेयर स्पा करके आती हूँ, उसके बाद दिखा दो। हेयर स्पा अभी बाल बांध दी मैंने। अच्छे हो गए, स्मूथ हो गए ना। तो आईनिंग वगैरह ये सब कर रही थी ना, आईनिंग कर रही थी, कर्ल्स कर रही थी। तो कभी भी अगर आप लोग आईनिंग करेंगे कर्ल्स करेंगे ना, तो उसके बाद में ना दो तीन दिन के बाद में ना हेयर स्पा करना। तो उससे क्या होता है, जो हमारे बाद में जो ये हो गया रहता है ना, सब जो यूज होता है, थोड़ा सब यूज होता है ना। हाँ, सब स्प्रे जो बाल पे यूज होता है तो उससे अपने बाल अच्छे हो जाते। अभी मैंने अच्छे से करा ली, मस्त कैसा लग रहा है। जीन्स और टी शर्ट एकदम, शूज भी पहनो एकदम सिंपल और एकदम वेस्टर्न लुक है मेरा। घड़ी वेस्टर्न लुक का मेरा, मतलब मुझे मैं एकदम नंबर वन पे रखती हूँ वेस्टर्न लुक को, मुझे बहुत पसंद है वेस्टर्न, है ना। एकदम सिंपल सा निकलते, बहुत टाइम हो गया, 6:15 हो गए, कब पहुँचेंगे मीरा और फाउंटेन पहुँचने गए, 7:30 बजे तक पहुँच जाएगी। और ये फर्स्ट टाइम है मेरा। हाँ, जो मुझे फर्स्ट टाइम मुझे कुछ अवार्ड मिले, क्या मिला क्या बोलता था, अवार्ड में बुलाए, अवार्ड में बुलाए फर्स्ट टाइम, नहीं ऐसा बहुत टाइम बुलाए मगर मैं नहीं गई, है ना। बहुत टाइम मुझे बुलाए, बहुत जगह बुलाए मगर मैं उसे ये नहीं की। मम्मी नहीं अटेंड करते, नहीं अटेंड करती ज्यादा, मैं नहीं जाती हूँ। ये मेरा फर्स्ट टाइम है जब मैं जा रही हूँ, तो मैं बोली चलो एक टाइम अपन जाएंगे। तो चलिए आप लोग मेरे साथ। तो चलिए गाइस, मैं अपनी गाड़ी में बैठ चुकी हूँ, अभी मुझे 10 मिनट लगेगा पहुँचने के लिए, है ना। तो मीरा रोड के नजदीक तो मैं आ चुकी हूँ, ट्रैफिक में फंसे, ट्रैफिक का तो पूछो मत, सिर्फ संडे के दिन है ना थोड़ी कम रहती है ट्रैफिक, नहीं तो ये साइड जाने के लिए तो ना बहुत ट्रैफिक रहती। हम लोग की शादी में कैसे आए गए वो हम लोगों को नहीं पता है। इतना जल्दी मेकअप करके, मैं तो 3 बजे तक का मेकअप करके दे रही हूँ, 3-4 बजे तक मेकअप, 4 बजे तक मैं रेडी हो जा रही हूँ। वैसे हम लोग निकल रहे थे, 2 घंटा गाड़ी में जाता था, पूरा उसका मेकअप लेके मैं 2 घंटा गाड़ी में बैठती थी ना। और मुझे कहते ना गाड़ी की एसी चालू थी ना, तो मुझे जमता नहीं है, ऐसे उल्टी उल्टी जैसे होने लग जाता है ना। फिर गाड़ी के आखिर कैसे दिख रहे। और आज केवल हम लोग 2 ही जन आए ना, हम लोग अच्छा नहीं लग रहा है। आज सबको अगर भाई को घर पे छोड़ के आए ना, तो किधर भी हम लोग 4 जन साथ में ही रहते। अभी क्या करेंगे, अशरफ का सबसे पहले बात तो 10वीं है, अभी वो ट्यूशन जाके आए, ट्यूशन से आने के बाद उसका होमवर्क रहता है, होमवर्क
बुक कंप्लीट नहीं करेगा तो फिर जो ट्यूशन के सर है वो चिल्लाते हैं ना, तो इसके लिए मैं उसको अशरफ को छोड़ दी और अशरफ के साथ में उसके डैडी को भी रखी, मैं तो हम लोग जाके आ जाते हैं। चलिए देखते हैं उधर कैसा है क्या है, सब आपको दिखाएंगे। कैसा है क्या है मुझे पता नहीं, मैं फर्स्ट टाइम जा रही हूँ, मुझे इतना आइडिया नहीं है, है ना, मेरी 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 लाइफ का फर्स्ट अवार्ड है, अवार्ड फंक्शन में जा, हाँ फर्स्ट टाइम मैं जा रही हूँ, फर्स्ट टाइम लेने वाली हूँ। एक घंटा फाउंटेन रुकी, उसके बाद में कॉल करके इधर पे एड्रेस आया, फिर इधर आई मैं। मदद किया वो तो बता। हाँ मुझे जो मदद किया है राजा नायडू सर, उनकी वाइफ। थैंक यू आप आने के लिए इधर। भाई इनकी भी इंस्टाग्राम आईडी है, सॉरी इंस्टाग्राम आईडी है, यूट्यूब आईडी है, दोनों आईडी है, फेसबुक भी है, ट्विटर भी है, सब जगह फैले हुए हैं। राजा नायडू, राजा नायडू, राजा नायडू फॉलो करो, सपोर्ट करो, लाइक शेयर, लाइक शेयर। और इधर पे अपना आसिफा भी नाश्ता। अस्सलाम वालेकुम, हाय, बहुत टाइम बाद मिले, लेकिन आपस में बर्थडे में मिले थे, नहीं एनिवर्सरी, एनिवर्सरी अवार्ड के लिए बुलाने जा रहे हैं तो सर प्लीज अगर आप आ सके तो आपका एनिवर्सरी मतलब धमाल के धमाल, बहुत मजा आपका एनिवर्सरी के बाद ही ना, हम लोग को सब लोग एक साथ पहचाने हैं, हम सबसे अवार्ड दिलाते हैं। मेरी एक टांग लगती है, मैं हॉकी का बहुत बड़ा खिलाड़ी था, एक दिन मेरे मुंह से उदय भाई के लिए कुछ गलत निकल गया तो मजनू भाई ने मेरी हॉकी स्टिक से मेरे टांग के दो टुकड़े कर दिए, लेकिन दिल के बहुत अच्छे हैं, फौरन अस्पताल लेके गए, ऑपरेशन करवाया, नकली टांग लगाई, घर तक छोड़ने आए, बीवी के लिए साड़ी, बच्चों के लिए खिलौने, बस कॉमेडी करना, डांस करना, कुकिंग करना, बहुत बड़ी बात है, एक कला है, एक टैलेंट है, पहचानो। राजा भाई आ गए, राजा भाई थैंक यू, आपका साथ है,
आप सोच रहे डिजर्विंग लोगों को ये प्लेटफॉर्म मिल रहा है जहाँ उनको अवार्ड मिल रहे हैं, तो अयान जी ने इतना अच्छा कार्यक्रम पूरा ऑर्गेनाइज किया है तो मैं इनकार नहीं कर पा. सो थैंक यू अयान जी, कॉन्ग्रेचुलेशन आपको भी एंड थैंक यू फॉर हैविंग मी. मुझे सिखाना पड़ेगा क्योंकि अब तक मुझे चलाना नहीं आता, मुझे क्लासेस होगी. थैंक यू. और मैं 8 इयर्स में एयरक्राफ्ट भी उड़ा के हूँ अल्हम्दुलिल्लाह. सही है. अकेले अकेले बुलाए भी नहीं है. कौन बुलाया नहीं भाई, साथ में चाहे क्या क्या साथ में, हम लोग उधर ही पीछे थे. हम लोग सोचे आवाज दे के आवाज दे कर के आवाज ही नहीं दिए. तुम साथ में थे तो तुम लोग जा फोटो खींचने. देखे बच्चा सच बोलता है तुम्हारा. ये खाना लेकिन इसके लिए नहीं दिख रहा है, हम दोनों के लिए साथ में. अच्छा ऐसा है क्या. तो चलिए गाइस हो चुका है सब, अभी निकल रही हूँ घर के लिए. और यहाँ पर मैं विला देख रही थी. विला माशाल्लाह बहुत अच्छे अच्छे. हाँ, ये देखिए पूरा ये लाइन से इधर विला है. विला है और इधर ये पीछे पूरा विला है. ये पूरा जैसे कि अपने लोगों को एक पूरा दे देंगे. हाँ, एक विला में 15-20 लोग रह सकते हैं. अच्छा है. अब इधर फंक्शन है इसके लिए, सभी तो पब्लिक घूम ही रही है. तो चलिए गाइस मैं अभी मिली मेरे भाई से. और मैं तो उनको भाभी बोलती जब उनको भाई बोलती तो है ना, तो भाई से भाभी तो उधर बिजी आ रही थी. आजा जल्दी, कब का ब्लॉग बन रहा है, आगे चालू है. चलो तो मैं इनसे मिली, ये मेरे भाई है और ये भाभी है, मतलब भाभी बोलती है. ये मेरे ननंद है, बहुत अच्छी है, मेरी बहुत फेवरेट है. क्योंकि मैंने ना इसको देखा है हमेशा, आज से नहीं मतलब कितने 7 साल से. ये बंदी जैसी शायद ही कोई बंदी होगी. इंस्टाग्राम में अगर मैं सच में किसको लाइक करती ना तो इसको करती, सच्चे दिल से करती हूँ, दिखावे का नहीं. ये तो बात मुझे ये पता है, मुझे बहुत प्यार करते हैं. थैंक यू, लव यू. और मेरी बहन को ऐसे ही सपोर्ट करो और बहुत आगे लेके जाओ. यस, बहुत बहुत दुआएं मेरी माता रानी. अल्लाह हर भगवान हर दरवाजा जो अल्लाह का दरवाजा गॉड का हो, सबसे मैं यही दुआ करूंगी कि मेरी बहन बहुत आगे सच्ची और आज के टाइम में मेरी जबान लग जाए. अरे कितने साल सही बात बोले. How are you? लेकिन आपा का मेरे को एक डांस अभी अच्छा लगा. मेरा दिल ये आजा. हाँ, बच्चे घर पे इसलिए हमको भी जल्दी निकलना. चलो आप.